तो अगर तुम यहाँ पे आए हो सिंपल आयरन फार्म की वीडियो को सर्च करके तो ये एकदम सही जगह। आज मैं बताने वाला हूँ सिंपल आयरन फार्म कैसे बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले कुछ इस तरह से 3x3 और 8 ब्लॉक्स डिग करना है, उसके बाद इसके अंदर जाना है। उसके बाद यहाँ से सामने से 12 ब्लॉक को हमें तोड़ देना है। तो ठीक है, 12 ब्लॉक को तोड़ते हैं और कुछ इस तरह से सीधा भी। उसके बाद फिर यहाँ पे आना है, यहाँ पे 2 ब्लॉक डिग करना है। उसके बाद यहाँ पे सोल सैंड को प्लेस करना है और उसके बाद फिर यहाँ पे एक वाटर बकेट से यहाँ पे वाटर को प्लेस करना है और यहाँ पे ठीक अपने ऊपर एक टनल बनाना है जहाँ से जॉम्बीज आएंगे। तो ठीक है, यहाँ पे टनल बन चुका है और ये कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके बाद जैसे ही नीचे आ गए, यहाँ पे अपने सामने 3 बेड प्लेस करना है। 3 बेड प्लेस होने के बाद यहाँ पे जमीन पे स्लैब को कुछ इस तरह से बिछा देना है और यहाँ से 4 ब्लॉक देखना है। तो यहाँ पे 3 विलेजर को प्लेस करना है। इतना हो जाने के बाद ऊपर से 4 ब्लॉक देख लेना है, 1, 2, 3, 4, और यहाँ से ब्लॉक को लगाना है कुछ इस तरह से। 1 सेकेंड, और यहाँ पे ये खाली जगह छूट जाना चाहिए। उसके बाद कुछ यहाँ से एक लेयर को हटाते जाना है कुछ इस तरह से। 1 सेकेंड, ऐसे करके यहाँ से एक लेयर को पूरी तरह से हटा देना है चारों साइड से। ऑलराइट, तो यहाँ पे हो चुका है अपना काम। तो ये अब ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे आना है और यहाँ पे कुछ इस तरह से तोड़ देना है। 1 सेकेंड, एक लेयर यहाँ से और यहाँ पे चेस्ट को रख देना है। 2 चेस्ट यहाँ पे हो गया। उसके बाद हुपर को लगा देना है और इतना हो जाने के बाद चारों साइड से स्टोन की वॉल को खड़ा कर देना है। तो कुछ इतना हो जाने के बाद इस एरिया को हमें कवर कर देना है कुछ इस तरह से, ताकि जॉम्बी जो आएंगे इस तरफ से आएंगे और हमें उसे इसमें गिरा देना है। तो कुछ इस तरह से इस एरिया को कवर कर देना है। और अब मैं बताता हूँ ऐसा क्या होगा आगे। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे 2 साइन बोर्ड लगाना है और एक साइन बोर्ड यहाँ लगेगा और दूसरा साइन बोर्ड यहाँ लगेगा और यहाँ बीच में लावा को स्पॉन कर देना है। तो कुछ इस तरह से अब ये ऊपर से दिख रहा है और ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे जो होंगे अपने आयरन गोलम स्पॉन। तो ठीक है, अब रात होने का समय, देखते हैं। 5 hours later, जॉम्बी को यहाँ पे स्पॉन करना है और एक जॉम्बी यहाँ नीचे गिर चुका है, देख सकते हो। और यहाँ पे हमारे विलेजर हैं और ऊपर की साइड से अब इन टॉर्च को मैं हटा देता हूँ ताकि और भी ज़्यादा अंधेरा हो जाए। और यहाँ पे अंधेरा होगा तो ये देख सकते हो यहाँ पे एक आयरन गोलम जो है जल्द से जल्द आ चुका है। अब ये आयरन गोलम जो है ये स्पॉन हो चुका है। तो यहाँ पे इस आयरन गोलम को मरने में भी कुछ समय है। यहाँ पे मैं आप सभी को एक बात बताना भूल गया कि यहाँ पे वाटर का भी काम है। वाटर को कुछ इस तरह से प्लेस कर देना है ताकि वो जो है बह के इस साइड पे आ जाए। और यहाँ पे ये आयरन गोलम मरना स्टार्ट हो चुका है और ये चल के मर रहा है। The next day. तो यहाँ पे जल्द से जल्द माइन करते हैं और अपने चेस्ट के पास जाते हैं जहाँ पे हमने चेस्ट लगाई थी। तो कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पे नीचे आ जाएंगे और हमारी चेस्ट यहाँ पे। अब इसके अंदर देखते हैं कितने आयरन्स आ चुके हैं। तो अभी तक में 15 आयरन्स यहाँ पे हमें मिल चुके हैं, आयरन इंगॉट। तो आज का बस वीडियो यहीं पे, मुझे लगता है आपको ये पसंद आएगा। और यहाँ पे एक और आयरन गोलम स्पॉन हो चुका है और अब ये मर रहा है। तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय।